हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द हाइट एंड बेस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 86 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन इट इज लेंथ एंड विड्थ इज 5 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया पता करना। दोस्तों, एरिया पता करने के लिए हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट का पता होना चाहिए। बेस और हाइट किसके बराबर है? हाइट है लेंथ के बराबर और बेस है विड्थ के बराबर। किसके? रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ हमें निकालना है। लेंथ और विड्थ में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा है किससे? विड्थ से। आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हो, मैंने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ, उसका जो विड्थ है मैंने एक्स लिख लिया और जो लेंथ है, जैसे कि इन्होंने बोला कि 5 ज़्यादा है तो एक्स प्लस 5। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी इन्होंने पैरीमीटर हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल का दिया हुआ है, कितना है, कितना दिया हुआ यहाँ पे पैरीमीटर? पैरीमीटर टोटल 86 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक्स बच गया मेरे गलती से, 86 है ये। ठीक है दोस्तों, तो पैरीमीटर 86 है। तो पैरीमीटर क्या होता है? डबल होता है लेंथ और विड्थ का। लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2, जो 2 हमने बाहर लिख दिया, विड्थ लिख लिया प्लस लेंथ लिख लिया, इज इक्वल टू 86 के। ठीक है दोस्तों, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे 19। एक्स 19 आ गया। एक्स क्या है? विड्थ है। विड्थ 19 आ गई, तो लेंथ कितना आएगी? 19 प्लस 5 24। तो लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। तो एरिया क्या है? 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है? 24 है। बेस क्या है? 19 है। 1/2 इंटू 19 इंटू 24, तो ये आ जाता है 225। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। सिंपल था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।